हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एमिएबल लॉजिस्टिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2002 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 20 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, कंपनी इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को, उनका जो माल होता है उनको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करवाने का ये कंपनी काम करती है। इन अवे अगर आप देखोगे, जो लॉजिस्टिक सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और यहाँ पे दो वे से कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। एक है एयर, यानी कि जो एयरप्लेन वगैरह होते हैं, और जो नॉर्मली जो सी रूट होता है उसके थ्रू भी ये कंपनी सर्विसेज जो सर्विसेज है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी बृहन मुंबई कस्टम हाउस एजेंट की ये कंपनी मेंबर है, जिसको अगर हम नॉर्मली अगर आप देखोगे जिसको BCBA के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो इनके कस्टमर्स होते हैं उन्हें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाने का भी काम करती है, और जो फ्रेट फॉरवर्डिंग वाला काम होता है वो भी ये कंपनी करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के वैरायटी ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे, तो उसके अगर आप देखोगे फ्रेट फॉरवर्डिंग भी आता है, कस्टम क्लियरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो भी लॉजिस्टिक सर्विसेज में सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो मेन मार्केट है वो जो महाराष्ट्र के अंदर ही कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है, और यानी कि जो मेन कंपनी के कस्टमर्स वो हमें महाराष्ट्र के ही कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। अब अगर हम कंपिटेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू सोर्स है, और कस्टमर बेस की भी अगर हम बात करेंगे तो डाइवर्सिफाइड है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसे ये कंपनी यूज़ करती है, तो उसे डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल ये कंपनी हमें यूज़ करती हुई नज़र आती है। और यहाँ पे कंपनी के जो प्रोफेशनल्स की टीम हमें यहाँ पे कंपनी के नज़र आती है, सब यहाँ पे प्रोफेशनल है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशन, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हर तरीके के सॉल्यूशन यहाँ पे कंपनी के पास में अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच हमें कंपनी का नज़र आता है। तो ये सारी कंपनी की कंपिटेटिव स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे कंपनी की नज़र आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ हमें आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए ललित लखमची मांगे ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 2020 में लगभग 4.64 करोड़ के लगभग कंपनी के एसेट के नंबर थे, और अभी ये नंबर आया है लगभग 6.5 करोड़ के लगभग। तो देखा जाए डेफिनेटली अगर हम देखेंगे लगभग 2 करोड़ से ये नंबर हमें यहाँ पे लगभग 2 साल में ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 16 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर 14 करोड़ के लगभग आया था, और उसके बाद में अगर हम देखेंगे 17 करोड़ के लगभग आया था। लेकिन अगर हम अभी 6 महीने के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर अभी हमें 13 करोड़ के लगभग नजर आता है, जो कि हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग यहाँ पे ये पूरे साल में लगभग 25 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर कंपनी के हो सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 21 से 29 लाख पे ये नंबर आया है, उसके बाद में अगर हम देखेंगे 48 लाख पे ये नंबर हुआ था, और अभी 6 महीने में कंपनी ने 65 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लिया है, क्योंकि हमें इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर के नेट प्रॉफिट के नंबर्स यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के हो सकते हैं। और इन अभी अगर हम देखेंगे जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो हमें यहाँ पे अच्छे नज़र आते हैं। और अगर हम बॉरोइंग की अगर हम बात करेंगे तो अभी 61 लाख का ही यहाँ पे कंपनी का टोटल लोन हमें यहाँ पे कंपनी का नज़र आता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे लगभग 4-5 करोड़ रुपए अभी कंपनी आईपीओ के फॉर्म में ले रही है, तो वहां पे डेट टू इक्विटी कंपनी का काफी ज्यादा हमें कंफर्टेबल लेवल पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, यानी कि जो आने वाला वेनसडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, और 26 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 81 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है, और 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। और अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 4.37 करोड़ रुपीज का हमें यहाँ पे इश्यू साइज नजर आता है, पर ये पूरा कंपनी के पास में जाने वाला है। और ये जो आईपीओ ये NSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो 50% का यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, जो कि इंडिकेशन है कि लगभग 2 करोड़ 18 लाख रुपए के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है।
अब अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 14 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा और 15 नवंबर को आपके डिमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 16 नवंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो आईपीओ का क्लोजिंग डेट है उसके लगभग 8 से 9 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,29,600 रुपीज़ लगेंगे, जिसके अंदर 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। और रिटेल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट हमें नजर आती है, और यहाँ पर अगर आप 2 लॉट की एप्लीकेशन लगाने जाओगे तो 2.5 लाख से ऊपर का वो अमाउंट हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो अगर आपको 1 लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ लगभग 13 से 14 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का IPO आ रहा है। हाँ, वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे ठीक ठाक वैल्यूएशन हमें कंपनी के नज़र आते हैं, और यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे। पहले अच्छी बात ये कि कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो। इसके अलावा बहुत सारे IPO और ओपन हो रहे हैं, लेकिन ये IPO काफ़ी छोटा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 20-30% का लिस्टिंग एंड आराम से हमें मिलता हुआ नजर आएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास में कैपिटल है तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट का लॉजिस्टिक के ऊपर फोकस है, एक यहाँ पे कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, यहाँ पे भी PLI स्कीम के लॉन्चेज यहाँ पे आ रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये सेक्टर आपके रडार पे होना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि एमिएबल लॉजिस्टिक के IPO के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।